नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो गए हैं, यानी कि उत्तराखंड की जनता ने मत पेटियों में उत्तराखंड की अगली पार्टी का भविष्य तय कर दिया है और इंतज़ार है 10 मार्च का, जिस दिन आएंगे उत्तराखंड के रिजल्ट, यानी कि पता चलेगा कि उत्तराखंड में जनता ने किस पर किया है भरोसा और किसको दिखाया है सत्ता से बाहर का रास्ता। लेकिन उससे पहले ही सभी राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, वो ये दावे कर रही है कि इस बार उत्तराखंड की जनता उन्हें जिताएगी और फिर से विधानसभा पहुंचाएगी। लेकिन सवाल ये भी कि आखिरकार जनता का मूड क्या है और आखिरकार क्या बीजेपी को फिर से सत्ता में जनता लाती है या फिर कांग्रेस को फिर से मौका दिया जाता है। लेकिन इसी बीच सभी राजनीतिक दल और सभी बड़े नेता बयानबाजी करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हरीश रावत कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उत्तराखंड में इस विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता उन्हें 50 सीटें दिलाएगी और विधानसभा तक पहुंचाएगी और प्रदेश में उनकी बहुमत की सरकार बनेगी। तो वहीं कांग्रेस के साथ ही बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत सपने देखते हैं और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक सवाल यह भी कि हरीश रावत ने यह आरोप भी लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी बीजेपी कर सकती है, क्योंकि वो घबरा चुकी है, उन्हें पता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस के 50 से अधिक विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी घबराहट में ईवीएम के साथ छेड़खानी कर सकती है। और इसी को लेकर बीजेपी ने भी हरीश रावत पर तंज कसे। बीजेपी ने कहा, मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे हरीश रावत, क्योंकि उन्हें पता है वो इस बार फिर से हार का रास्ता देखेंगे, वो अपनी विधानसभा सीट लालकुआ भी नहीं जीतेंगे और यही वजह है कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनकी सरकार तो नहीं बनती, लेकिन आरोप पहले ही लगा दें ताकि कहने के लिए तो कुछ रहे। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि 10 मार्च का इंतज़ार से पहले ही सभी राजनीतिक दल उत्तराखंड में ये तो कह रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है और वादे भी बड़े बड़े कर रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार 10 मार्च को उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी? क्या हरीश रावत जो बात कह रहे हैं कि 50 सीटों से अधिक सीटें उनकी आएगी और वो सरकार बनाएंगे, वो सच होगा या फिर बीजेपी का 60 पार का नारा सच होगा? ये तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा। लेकिन 10 मार्च से पहले दोनों ही राजनीतिक दल अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही और भी रोचक खबरें आपको देते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।